वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले ह्यूमन इंटरेक्शन एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट 90% इसका चांसेस रहता है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? थ्री लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। और सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिनका रिजल्ट आ गया और जो पास हो गए। ठीक है, मेरे भाइयों और उनकी बहनों को, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है थ्री लेवल ऑफ प्रोसेसिंग? तो आप देख सकते हैं कि थ्री लेवल में क्या क्या दिख रहा है अपने को। एक विसरल लेवल दिख रहा है, एक बिहेवियर लेवल दिख रहा है और एक रिफ्लेक्टिव लेवल दिख रहा है। ठीक है, तो ये तीन लेवल होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या रहते हैं ये। ठीक है, तो पहला लेवल है विसरल लेवल। तो विसरल लेवल वो रहता है जिससे कि हम ऊपर ऊपर की चीजें देख के इंप्रेस हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे ये समझो हम लोग टी शर्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग विसरल लेवल वो होता है जिसमें हम लोग, जैसे एक टी शर्ट है उस पे स्लोगन्स लिखे होते हैं जिसको देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं। ना कि हम उसके कलर, ना ही उसके क्या बोलते हैं, हम लोग क्वालिटी देखते हैं। कॉटन है, स्ट्रेचेबल होगा कि नहीं होगा, कलर निकलेगा कि नहीं वॉश में। ठीक है, जैसे स्लोगन्स लिखे होते हैं, जैसे बाप बाप होता है या फिर तू तेरा देख ले, ऐसे बहुत से स्लोगन, अपना टाइम आएगा, ये सब स्लोगन्स होते। तो हम लोग वो देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते। हम लोग सोचते कि यार ये तो लेना ही है, भले वो 10 दिन चले, 20 दिन चले, वो तो बात की बात है यार, वो देखना नहीं हम लोग को। हम लोग को पहले यही देखना है उस पर लिखा कितना अच्छा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग लेते, तो उसको विसरल लेवल बोलते। अब टेक्निकली बोले तो अपना यूआई देख लो, ठीक है, उसको बोल सकते हैं विसरल। अंदर वेबसाइट या एप्लीकेशन में कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन अपना यूआई एकदम मस्त दिखना चाहिए, कड़क, तो क्या पब्लिक विजिट करेगी। जैसे एक यूट्यूब का वीडियो देख लो, उसका थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, कोई कोई वीडियोस का भले कंटेंट अंदर अलग ही हो, कुछ भलता ही चल रहा हो, उससे कुछ मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन वो थंबनेल इतना अट्रैक्टिव रहता है कि हम लोग को क्लिक करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो उसी को बोलते विसरल लेवल। अब आ जाते हैं दूसरे पे, बिहेवियर लेवल। तो बिहेवियर लेवल बोले तो क्या? एक्चुअल वर्किंग। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये इस लेवल में, सेकंड लेवल में पूरा डिटेलिंग पे काम होता है। ठीक है, अंदर एक्चुअल वर्किंग क्या है? तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया टी शर्ट का, तो इसमें ये रहेगा कि ये क्या कॉटन का है, क्या इससे वॉश करने पे कलर निकलेगा, क्या ये इलांगेट होगा स्ट्रेच करने पे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वैसे ही या टेक्निकली देखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे एक्चुअल वर्किंग क्या हो रहा है वेबसाइट में। ठीक है, या फिर अपना एप्लीकेशन में जो भी है, अंदर वर्किंग हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब इसमें देखा जाता है, किसमें? बिहेवियर लेवल में। ठीक है, तो ह्यूमन में इसमें बोल सकते हैं हम लोग, एक वर्ड बोल सकते हैं इमोशनल लेवल है ये। ठीक है, जैसे हम लोग कोई मूवी वूवी देख रहे हैं तो उसके इमोशन से हम लोग अफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके इमोशन के हिसाब से हमारा भी इमोशन निकलता है मूवी देखते वक्त। फिर आ जाते हैं थर्ड और लास्ट लेवल पे, जो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये क्या रहता है? पूरा एनालिसिस करता है जो प्रोडक्ट बन चुका है और जो जो पहले पुराने एक्सपीरियंस गेन करके जो नया प्रोडक्ट बनाते, उसको बोलते रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मतलब क्या? जैसे अभी टी शर्ट तो बन गई, ठीक है, तो फिर उसको ध्यान में रख के कि भले पब्लिक ने यूआई देख के, तो मतलब स्लोगन देख के तो ले लिया, लेकिन वो इतना दिन चला नहीं, मार्केट से निकल गया क्योंकि उसका क्वालिटी खराब था, कलरिंग अच्छा नहीं था, तो वो एक्सपीरियंस अपने दिमाग में रख के एक नया टी शर्ट बनाएंगे जो क्वालिटी भी चले और कलर भी ना जाए और स्लोगन तो रहेगा ही। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये रिफ्लेक्टिव लेवल, ये थर्ड लेवल है। और जैसे हम लोग यू अपना टेक्निकली बोल रहे, तो एक पुराने वेबसाइट या एप्लीकेशन को अपडेट करना। ठीक है, पुराने एक्सपीरियंस को रख के दिमाग में नया गोल सेट करना। ठीक है, कि मेरा यूआई, मतलब मेरा वेबसाइट इस तरह से वर्किंग होना चाहिए, इतना फास्ट लोडिंग होना चाहिए, वगैरह वगैरह सब एक्सपेक्ट। ठीक
ठीक है, तो यही रहता है 3 लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, ठीक है, और एग्जाम में 90% आता है, तो जरूर जरूर करके जाना, ठीक है। और ये अफेक्ट किस पे करता है? सब कुछ ह्यूमन के थिंकिंग पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। ह्यूमन कैसा सोच रहा है, कैसा चाहता है, क्या हो क्या ना हो, उसके हर एक सेंसेस पे डिपेंड रहता है इसका आउटपुट, ठीक है। तो इसके लिए ये ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन है, सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज फटाफट शेयर करो जिसको ये नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में आता ही है, 90 to 95% पकड़ लो आता ही है। तो वीडियो देखो, और हाँ 3 अच्छे काम करो जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, कि जल्दी जल्दी से पहला अच्छा काम लाइक करो, दूसरा अच्छा काम शेयर करो, और तीसरा और इम्पोर्टेंट अच्छा काम क्या करो, कि वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ग्रे में कन्वर्ट करो। रेड कलर बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, अच्छा नहीं होता कलर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।